सब सखियां अपना जो स्वार्थ है वो रखते हुए पूरी तरीके से तल्लीन हैं राधा कृष्ण के जुलन को का श्रृंगार करने में, इसको डेकोरेट करने में और राधा कृष्ण की सेवा में, राधा कृष्ण को आनंद देते हुए आनंदित है। यही जुलन यात्रा का भाव है। तो जब हम ये जुलन यात्रा में भाग लेंगे, हमको ये भाव में लेना है भाग और ये प्रार्थना करना है भगवान को, हे भगवान हमारा इंद्र तृप्ति का इच्छा कम हो जाए और हमारे अंदर एक ही इच्छा रहे, जैसे गोपियों के अंदर है, सखियों के अंदर है, राधा कृष्ण की प्रसन्नता। ये हमारा जिंदगी का एक ही लक्ष्य है। मनुष्य जिंदगी पा के अगर हम राधा कृष्ण की भजन नहीं करेंगे तो हम जानते हुए विष पी रहे हैं और हमारा जिंदगी विफल चला जाएगा। जिंदगी हो या मरण हो, हमारा एक ही लक्ष्य है राधा कृष्ण की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। तो जैसे हम राधा कृष्ण की जुलन यात्रा में भाग लेंगे, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में ये भाव विकसित हो, हम जो भी करें हमारा पूरा जो जिंदगी है भगवान के प्रसन्नता के लिए हम समर्पित करें और यही भाव में हरि नाम लें, यही भाव में वैष्णवों की सेवा करें और इसी तरह हमारा पूरा जिंदगी हम बिताएं।